मनोज मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं जूम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज मंत्री परिषद की बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा भी शामिल होगी। पटना में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के बेतु के बयान के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दे दी है। इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डैमेज को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर के आरोप में वन विभाग के मुंशी को गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि घटनास्थल पर नक्सलियों ने जेसीबी मशीन पर भी डीजल छिड़क कर आग लगा दी। कानपुर में इत्र कारोबारी करने वाले पीयूष जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जहां घर में मिली सोने की ईंटें और बिस्कुट से राजस्व खुफिया महानिदेशालय की टीम को उनके तार अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्कर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोटक के एक गवाह ने स्पेशल एनआईए में जमकर कोर्ट में खुलासा किया है। इस दौरान महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित आरएसएस के पांच नेताओं को फंसाने का दबाव डाला है। वहीं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह उस समय एटीएस के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।